शूटिंग कर रहे थे कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। एक दिन ये कितना प्यारा वादा नाच रहा हूँ, इतना डर गया मैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के इस गाने पर सिनेमा के पर्दे पर जितेंद्र और उनकी खटारा गाड़ी के साथ आशा पारेख ने खूब रंग जमाया। इस मस्ती में तुझे ना क्या करना। इस गाने की बदौलत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की बिक्री के मामले में ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले को भी पीछे छोड़ दिया था। भारत में ही नहीं, इस फिल्म ने चीन में भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि फिल्म बनाने वाले भी देखते रह गए थे। इस फिल्म की कमाई से फिल्म निर्माता नोट गिनते गिनते थक गए थे। आज भी ये गाना खूब लोकप्रिय है। इस गाने की शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा मजेदार किस्सा है जिसे इस फिल्म के एक्टर जितेंद्र ने इंडियन आइडल शो के दौरान बताया था। और मुझे अपनी भड़ास निकालनी होती गायकी की, तो मैं पूरा लाउड स्पीकर लाउड करके पूरे साउंड में गाता हूँ। जितेंद्र ने इस गाने की शूटिंग के बारे में क्या बताया और इस गाने की क्या है कहानी, इस वीडियो में पूरा बताने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोहम्मद रफी के गानों और जितेंद्र और आशा पारेख के अभिनय से सजी फिल्म कारवां साल 1971 में रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज होते ही फिल्म के गाने लोगों के दिलों पर छा गए और गानों की बदौलत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फिल्म का लव ट्रायंगल भी लोगों ने काफी पसंद किया था। अरे हो मुख पे उड़े काले केसरे। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले के करीब 25 करोड़ टिकट बिके थे, जबकि कारवां के लिए फिल्म के लाइफ टाइम में 31 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। एशिया में कारवां का ग्रॉस कलेक्शन 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा था। हालांकि फिल्म के ये सभी गाने सुपरहिट रहे थे, लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाने कितना प्यारा वादा ने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया था। क्या जाना मैंने पा लिया, कितना प्यारा वादा। इस गाने के बारे में एक्टर जितेंद्र ने इंडियन आइडल शो में बताया था कि जब इस गाने पर शूटिंग हो रही थी तब लाउडस्पीकर से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से रिकॉर्ड कराए गए गाने को बजाया जा रहा था। शूटिंग कर रहे थे कितना प्यारा वादा, मैं और आशा पारेख, और नाच रहे हैं दोनों, लेकिन वह खुद उस गाने को जोर जोर से गा रहे थे और डांस कर रहे थे। और मुझे अपनी भड़ास निकालनी होती गायकी की, तो मैं पूरा लाउड स्पीकर लाउड करके पूरे साउंड में गाता हूँ। लेकिन शूटिंग के बीच में ही लाउड स्पीकर का तार निकल गया और अचानक लाउड स्पीकर से गाने बजने बंद हो गए। एक दिन ये कितना प्यारा वाला नाच रहा हूं। Suddenly, वो वायर निकल गई। फिर उनको अपनी ही आवाज सुनाई पड़ने लगी और वह अपनी आवाज सुनकर डर गए। साइलेंट हो गया तो मेरे को अपनी ही आवाज सुनाई थी। इतना डर गया मैं। जितेंद्र ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि आशा पारेख भी उस गाने को गा रही थी। लक ये अच्छा था कि मेरी अम्मा आशा जी, बोलना नहीं, नमस्ते आशा जी। और उनका भाग्य अच्छा था कि वह उनसे ज्यादा बेसुरी थी। आप खुद सुनिए कि जितेंद्र क्या कह रहे हैं। वो मुझसे ज्यादा बेसुरी। तो मैं बोला ठीक है, मैच हो गया। जितेंद्र ने जिस मजाकिया अंदाज में ये किस्सा सुनाया उसे सुनकर सभी कंटेस्टेंट और जज हंस पड़े। आपको बता दें कि कारवां साल 1971 में रिलीज होने के 8 साल बाद चीन में साल 1979 में रिलीज हुई थी। खबरों के मुताबिक चीन में कारवां के करीब 8 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टिकट बिके थे, जबकि भारत में 8 साल पहले हिट हो चुकी इस फिल्म के लगभग 1 करोड़ 90 लाख टिकट बिके थे। इसके अलावा भी इस फिल्म को कई कई बार रिलीज किया गया था। साल 2000 में आया एक आंकड़ा कहता है कि चीन में जितेंद्र की फिल्म के कुल टिकट बिकने की गिनती 30 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। चीन में इस तरह की अपार सफलता पाने के लिए किसी दूसरी हिंदी फिल्म को लंबा समय लगा था। इस फिल्म की कामयाबी के आधार बने इसके गाने। इस म्यूजिकल हिट फिल्म ने अपनी कहानी के कारण नहीं बल्कि गानों के कारण लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। दिल की सुनता जा रे, दिल पर सारी दुनिया हारी हो।
तुझ पे दिल हा। इनमें चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी, दैया ये मैं कहाँ आ फसी, दिलबर दिल से प्यारे कितना प्यारा वादा है, और पिया तू अब तो आ जा, जैसे गाने तो आज भी उस दौर के लोगों की जुबान पर है। तो दोस्तों, आपको कारवा के गाने कैसे लगते हैं? आपको इस फिल्म का कौन सा गाना सबसे अधिक पसंद है? आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।